हेलो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.2 करते हैं। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, तो आज हम एक्सरसाइज 2.2 करते हैं। एक्चुअली में एक्सरसाइज जो 2.2 है उसमें कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने, कुछ फॉर्मूले सब्स्टिट्यूट करने हैं। इसके लिए आपको क्लास 11 के, क्लास 10th के और इस चैप्टर के फॉर्मूले बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। तो क्या करते हैं कि ये जो फॉर्मूले हैं, बहुत सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, आपके डिस्क्रिप्शन में देखना, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, उस लिंक को आप क्लिक करना है और मेरे टेलीग्राम वाले चैनल पे आ जाना है। मैंने टेलीग्राम वाले चैनल पे वो सारे फॉर्मूले आपके लिए बना रखे हैं, आप वहाँ से देख सकते हो। जो जो फॉर्मूले फिलहाल यूज होने वो हम यहाँ पे लिखते चले जाएंगे, आगे आगे क्वेश्चन चलेंगे और यहाँ फॉर्मूले लिखते चले जाएंगे। बाकी उन बच्चों के लिए बेटा कि जिन बच्चों ने वो फॉर्मूले वेरीफाई करने, प्रूव करने, ड्राइव करने की कहाँ से बने, वो मैं नेक्स्ट वीडियो देता हूँ, उसमें फॉर्मूला का ही डेरिवेशन होगा। तो कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो पूरा फॉर्मूला ड्राइव वगैरह चाहते हैं, उनके लिए वो वीडियो बहुत यूजफुल होगी। और कुछ बच्चे जो होते हैं वो फॉर्मूला के डेरिवेशन के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, आती भी नहीं वैसे डेरिवेशन, उनके लिए मैं डायरेक्ट फॉर्मूले दे रखे हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में, उन पर देखा फॉर्मूला देखा और लगा दिया। तो मैं तुम्हें डेरिवेशन भी उसकी करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। फिलहाल हम क्या कर रहे हैं कि इस चैप्टर में आपको फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। अच्छा, बजाय क्या करते हैं सब्स्टिट्यूशन रटने के, आप फॉर्मूले याद कर लो, वो ज़्यादा बेटर होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसा बताया जाता है कि बेटा अगर कहीं पे 1 - x² आएगा ऐसे, तो आप लेट x इक्वल टू क्या ले लो, x इक्वल टू आप साइन थीटा ले लो या x इक्वल टू आप कॉस थीटा ले लो। तो देखो ऐसे बहुत सारे आपको सब्स्टिट्यूशन रटाए जाएंगे, उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप फॉर्मूले याद कर लो और उनको लगाना सीख लो। अब देखो मैंने जो फॉर्मूला लिखा 10th का वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसके बाद दो फॉर्मूले और बन सकते हैं, वो मैंने लिखे नहीं, वो आपको पता ही होगा। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, दो यहीं से बन जाएंगे। कैसे, साइन स्क्वायर मैंने ये रखा बेटा, तो ये हो जाएगा 1 - cos² या कॉस स्क्वायर यहीं पर रखा तो ये आ जाएगा 1 - sin² साइन को उधर लेंगे 1 - sin². तो इनके मैंने ये दो फॉर्मूले लिखे नहीं क्योंकि ये नहीं से बन जाने हैं ना, इतने यहाँ पर जगह भी नहीं, स्पेस भी इतना नहीं है, ठीक है। इसी तरह 1 + tan² इक्वल टू sec² 1 + cot² इक्वल टू cosec², बाकी ये सारे फॉर्मूले हैं। अब हमने क्या करना है, जब हमारे पे क्वेश्चन आता है तो हमने इन फॉर्मूलों को चेक करना है कि कुछ ऐसा दिख रहा है ना। तो हम क्वेश्चन शुरू करते हैं डायरेक्ट 2.2 के, तो मैं उसके बाद आपको क्लियर भी हो जाएगा। ये इनवर्स के भी फॉर्मूले लिखे, जितने कुछ क्वेश्चन में यूज होने वो मैंने लिख दिए, बाकी डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, जो जो यूज होते रहेंगे मैं यहां लिखता जाऊंगा आपके लिए, है ना। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि 3 sin inverse x इक्वल टू साइन इनवर्स 3x - 4x³। ये हमारे पास, एंड ये देखा है x बिलोंग्स टू -1/2 से 1/2, ठीक है। अच्छा जी, अब क्या करना है, हमने इनको प्रूव करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव में हम या तो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड करें या राइट हैंड से लेफ्ट हैंड लाते हैं, यही लाते हैं। ज्यादातर केस में हम क्या करते हैं, थोड़ा बड़ी वाली साइड लेना, जो थोड़ा बड़ी सी हो, यानी जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो उसको लो। तो उसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूं। तो बेटा मैं यहां पर सबसे पहले क्या कर रहा हूं, राइट हैंड साइड ला रहा हूं और राइट हैंड साइड से मैं लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करूंगा। राइट हैंड साइड में मेरे पास है साइन इनवर्स 3x - 4x³। अब आपने क्या करना है, इस x की जगह आपने अपने माइंड में सोचना है, यहां से बड़े ध्यान से समझो, x की जगह मैं कौन सा थीटा रखूं कि यहां एग्जैक्ट एक फॉर्मूला लग जाए। यानी इन सारे फॉर्मूलों में आपने देखना है कि कुछ ऐसा फॉर्मूला बन रहा है 3 और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, -4 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिख रहा है आपको कहीं। देखो यहां गौर से देखो, 3 sin θ - 4 sin³θ। यानी अगर मैं x की जगह sin थीटा रख दूं तो 3 sin θ - 4 sin³θ यही बन जाएगा। अगर मैं x की जगह sin थीटा रख दूं तो पूरा ये बन रहा है हमारे पास। भाई यही आपने चेक करना है। अब ये कैसे चेक करेंगे, अपने माइंड में सारे फॉर्मूले अगर आपको याद हैं, रिमेंबर हैं, तो आप ही कर सकते हो। वैसे नेक्स्ट वीडियो जब मैं तुम्हें वेरिफिकेशन कराऊंगा तो फॉर्मूले याद करने का शॉर्टेस्ट मेथड बताऊंगा, जिससे आपको फटाक से याद हो जाएंगे, ठीक है। पर फिलहाल उस पर वेट मत करो, आप इनको याद करो। तो अगर मैं x की जगह साइन थीटा रखता हूं तो मैंने क्या लिख दिया, लेट x इक्वल टू क्या रख दिया मैंने, साइन थीटा। अब अगर मैंने x की जगह साइन थीटा रखा तो साइन इनवर्स यहां पर आएगा 3 sin θ - 4 sin³θ, यह है हमारे पास। तो बेटा साइन इनवर्स का साइन इनवर्स 3 sin θ - 4 sin³θ, 3 sin θ - 4 sin³θ किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है sin³θ का। यहां तक क्लियर। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन ये आपस में कैंसिल हुए, कैंसिल नहीं करके दिखाते, एलिमिनेट हो गए।
हमने ये पढ़ा है, ये फॉर्मूला भी पढ़ा है कि साइन इनवर्स और साइन एक्स इक्वल टू एक्स होता है व्हेन एक्स बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से लेकर और पाई बाय टू तक, है ना। ये क्यों, ये चक्कर मैं भी आपको बताता हूँ। फिलहाल ये और ये एलिमिनेट, यहाँ बचा हमारे पास थ्री थीटा, बच गया थ्री थीटा। अब बेटा थ्री का मैंने थ्री रखा और थीटा की यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। देखो अगर यहाँ से मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, इस वाले में से अगर मैं थीटा निकालता हूँ तो साइन ही आएगा। बेटा ये चीज आपने बड़े ध्यान से देखनी है कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, सपोज दैट मैं बोलता हूं कि y इक्वल टू साइन x है, अब साइन को अगर इधर लाऊंगा तो इधर आके इनवर्स हो जाता है, साइन इनवर्स y इक्वल टू x आ गया। यानी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन जब दूसरी तरफ जाएगा तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बन जाता है, या इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दूसरी तरफ जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा। आप अपने माइंड में ये भी सोच सकते हो कि साइन नीचे आया अपॉन साइन हुआ, ऊपर गया तो उसका साइन चेंज हो गया, यानी इनवर्स हो गया। अगर मैं बोलता हूँ कॉस थीटा इक्वल टू वाई है और मैं यहाँ से थीटा निकालूंगा तो कॉस इधर जाएगा तो वो आएगा कॉस इनवर्स वाई। तो अब ऐसे में यहाँ से थीटा निकाल रहा हूँ तो साइन को इधर ले आता हूँ, साइन इधर आएगा तो थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन इनवर्स एक्स, और ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। तो ये तो हो गया क्वेश्चन क्लियर, है ना। ये जो दे रखा है इसका काम क्या है, कई बच्चे सोचते हैं कि इसका काम क्या है। भाई देखो डोमेन साइन थीटा लिया ना हमने, साइन थीटा एक्स की जगह हम साइन थीटा मान रहे हैं, तभी मान पाएंगे जब डोमेन माइनस वन टू वन हो। भाई एक्स हमारे पास पता है कि साइन का जो ग्राफ जाता है वो माइनस वन टू वन है, तो उसने इसीलिए दे रखा है ये माइनस हाफ से और हाफ तक है, तो माइनस वन टू वन के बीच में आ रहा है, इसलिए मैंने यहां पर साइन मान लिया। अब आता कि ये कब होता है, ये कैंसिल कब होते हैं, जब थीटा किससे बिलोंग करता है, पाई बाय टू से। तो बेटा अगर थीटा मेरे पास माइनस वन टू वन है, है ना, तो उसका थ्री टाइम्स यहां पर साइन थीटा हमारे पास वन बाय टू आ गया, यानी थ्री टाइम्स उसी के अंदर बिलोंग कर जाएगा माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। कुछ नहीं सोचना आपने, ये तो बहुत डीपली कंसेप्ट हो गया ना, तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा क्वेश्चन आपका, सिंपल ये क्वेश्चन करना है, समझ गए, और एक दो करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, बाकी वो बहुत डीपली वाले बच्चे सोच सकते हैं जो मैं बता रहा था अभी आपको, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम इसी का, ये मैंने सामने थोड़े से फॉर्मूले लिखे हुए जितने तुम्हारे यूज होने पहले दो चार क्वेश्चनों में। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है बेटा, थ्री कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। आगे वही लिखा है, वैसे मैं लिख नहीं रहा हूं, यहां पे लिख दूं, चलो एक्स बिलोंग्स टू वन बाय टू से लेकर वन, वन बाय टू से और वन, ये हो गए हमारे पास सारे रियल नंबर आते हैं ऐसे इसके डोमेन में, है ना। अच्छा मैंने कहा कि वही करना हमने, या तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लूं या फिर मैं क्या लूं, राइट हैंड साइड लूं। तो कॉम्प्लिकेटेड साइड यहां पर राइट हैंड सी है, तो मैं क्या कर रहा हूं यहां पर राइट हैंड साइड ले रहा हूं बेटा। राइट हैंड साइड में मेरे पास है कॉस इनवर्स फोर एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स। अब आपने पूरे ये जो फॉर्मूले हैं इनमें ये देखना है कि कहीं पर ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, फोर कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का क्यूब हो, माइनस थ्री और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो, ऐसा कुछ देख के बताओ मेरे को। अगर आपके नजर पड़ रही हो तो ये रहा देखो, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स, फोर कॉस क्यूब एक्स माइनस थ्री कॉस एक्स। अगर मैं एक्स की जगह कॉस रख दूं तो एग्जैक्ट फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या करा यहां पे, मैंने लिखा लेट एक्स इक्वल टू कॉस थीटा। अगर मैंने ये लिखा तो यहां पर आया कॉस इनवर्स, ये हुआ हमारे पास कॉस इनवर्स, यहां पर आया फोर कॉस क्यूब एक्स क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, जहां जहां एक्स था वहां मैंने कॉस थीटा रख दिया। तो कॉस इनवर्स ये हुआ बेटा, और फोर कॉस क्यूब थीटा माइनस थ्री कॉस थीटा, ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास कॉस थ्री थीटा का। तो यहां पे लिखा मैंने कॉस थ्री थीटा, है ना, ये और ये एलिमिनेट हुआ, बचा मेरे पास क्या थ्री थीटा, बच गया थ्री थीटा। अब थ्री की जगह मैंने थ्री रखा और थीटा की वैल्यू मैंने यहां से निकाली, थीटा की वैल्यू यहां से क्या आ जाएगी कॉस इनवर्स एक्स, तो यहां पर आ गया कॉस इनवर्स एक्स, और ये आ गया मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड। सिंपल है मेरे ख्याल से, बस आपको ये फॉर्मूले याद हो तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, है ना। वैसे हम बोलते हैं समझना समझना, मैं डेरिवेशन तो कराऊंगा लेकिन रटना भी पड़ता थोड़ा बहुत, मैथ में थोड़ा बहुत याद भी करने पड़ेंगे बेटा फॉर्मूले, ठीक है, उसके बिना तो काम नहीं चलेगा। ये क्लियर आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है इसका, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में थोड़े से फॉर्मूले याद करने बेटा आपने, ज्यादा भी नहीं है। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है टेन इनवर्स 2 ओवर 11 प्लस 10 इनवर्स 7 ओवर 24 इक्वल टू 10 इनवर्स 1 बाई 2। तो इसमें तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला नजर आ रहा होगा, मैंने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड। देखो जो प्रूफ करना है थोड़ा बड़ी सी साइड लेते हैं, कॉम्प्लिकेटेड सी, वो लेफ्ट हैंड साइड है,
10 इनवर्स 2 बाई 11 प्लस 10 इनवर्स 7 बाई 24। अब देखो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगा रहा है, 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का, तो ये रहा पहला फॉर्मूला 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, दिख रहा आपको 10 इनवर्स x प्लस 10 इनवर्स y का। तो मैंने यहां फॉर्मूला लगाया 10 इनवर्स इसको x मान लिया, 10 इनवर्स इसको y मान लिया, तो ये आएगा 10 इनवर्स फिर है x प्लस y, दोनों प्लस में है, तो 2 बाई 11 प्लस 7 बाई 24 ये आया, अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई, तो 2 बाई 11 इंटू 7 बाई 24 ये आया हमारे पास। ये आया बेटा 10 इनवर्स, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 11 इंटू 24, इनका अगर एलसीएम लेते हैं तो 11 24, इसको इससे करेंगे तो आएगा 11 24 2 48 और ये आया 77 ये आएगा। नीचे वालों को भी एलसीएम लेते तो आएगा 11 इंटू 24, यहाँ पर आया 11 इंटू 24 माइनस 7 2 14, ये पार्ट कैंसिल हुआ हमारे पास, ये आया बेटा 10 इनवर्स और 5 और 125 ओवर 250 हो जाएगा ये। अब अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो 10 इनवर्स क्या आ गया हमारे पास 1/2, और 10 इनवर्स 1/2 ही हमें लाना था, तो हमारे पास राइट हैंड साइड आ गई LHS इक्वल टू RHS, सिंपल है मेरे ख्याल से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बेटा, ये ऊपर का भी इरेज कर देते हैं, थोड़ा स्पेस बन जाएगा। फोर्थ वाला क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ 2 tan inverse 1/2 plus tan inverse 1/7 equal to tan inverse 31/17। अब आती ये वाली बात, तो इसमें tan inverse a plus tan inverse b नहीं लग सकता भी, क्योंकि यहां पर 2 भी आ गया, अगर ये 2 नहीं होता तो दिख रहा आप लोगों को, यहां पे दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा होगा, अगर यहां पर ये नहीं है तो tan inverse a plus tan inverse b का सीधा फॉर्मूला बन गया था हमारे पास, है ना, लेकिन ये 2 जो आ गए ये कबाब में हड्डी आ गया, तो इसको हटाना पड़ेगा पहले, तो इसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला देखो 2 tan inverse x, तो पहले तो इसमें 2 tan inverse x का फॉर्मूला लगेगा, है ना, तो 2 tan inverse x, 2 tan inverse x का हो गया tan inverse 2x, 2x यानी 2 और x है 1/2 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये मैंने कर दिया इसका 2 tan inverse x का ये फॉर्मूला लगाया, प्लस 10 इनवर्स 1/7 मैंने सेम रखा, मैंने लिया लेफ्ट हैंड साइड, लिख लो गई, ये आया बेटा 10 इनवर्स, 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ऊपर तो आ गया 1, और नीचे इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 4, 4 1 जब 4 माइनस 1 प्लस 10 इनवर्स 1/7, यहां तक आगे बात समझे, यानी मेरे पास आया 10 इनवर्स 4/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7। अब 10 इनवर्स यहां पर फिर फॉर्मूला बना 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, तो फॉर्मूला अब बन गया 10 इनवर्स a प्लस 10 इनवर्स b, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, मैंने लगाया 10 इनवर्स a प्लस b, 4/3 a हुआ प्लस b 1/7 ये हुआ, अपॉन 1 माइनस ए बी यानी 4/3 इंटू 1/7, तो ये आया 10 इनवर्स, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 21 आएगा, 7 4 जा 28 और 3 1 जा 3, नीचे इन दोनों के एलसीएम लेंगे तो आएगा 21, यहाँ है 21 माइनस 4 ये कैंसिल हुआ हमारे पास, तो ये आ गया 10 इनवर्स 31/17 ये आया राइट हैंड साइड, सिंपल है मेरे ख्याल से, यहां तक आ गया। आगे देखो, उसके बाद आता है बच्चों फिफ्थ वाला क्वेश्चन, यहां से जो फिफ्थ से देखो, यहां से जो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हो गया, क्वेश्चन नंबर सेवंथ हो गया, क्वेश्चन एट्थ हो गया, फिफ्थ सेवंथ और एट्थ आगे अगर मैं बात करूं आपको 10, 13, 14 और 15 एक जरूर आएगा, कंफर्म एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, फिर वही, अब इसने प्रूफ करने को नहीं बोला, इसने बोला राइट द फॉलोइंग फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करना है, अब वही सब्स्टिट्यूट करना है, आपने कुछ ऐसा देखना, देखो 1 + x² तो 1 + x² कोई फॉर्मूला जैसे 1 + sin² 1 + tan² कुछ बन रहा है कहीं, इसमें कहीं दिख रहा है आपको 1 + x² x की जगह मैं बन रख दूं और 1 + x² फॉर्मूला बन जाए, तो देखो यहां तो है नहीं, यहां से बन सकता है 1 + tan²
या वन प्लस कॉट स्क्वायर, और तो कहीं है नहीं वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो या तो मैं एक्स की जगह टेन रख दूं या मैं एक्स की जगह क्या रख दूं, कॉट रख दूं। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले याद करने वो माइंड में बिठाने, अगर आप आगे के बहुत अच्छा करना चाहते हो क्योंकि डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पूरी ट्रिग्नोमेट्री, तो फॉर्मूले याद करने, रटना नहीं सब्स्टिट्यूशन। तो मैंने क्या करा, लेट एक्स इक्वल टू रख दिया टेन थीटा। अब अगर टेन थीटा रखा, कहां से रखा मैंने, यहां से रखा वन प्लस टेन स्क्वायर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखना आपने। तो मेरे पास यहां पर आया टेन इनवर्स, यहां पर आया अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन टेन थीटा, एक्स की जगह मैंने टेन थीटा रख दिया। तो यह आया टेन इनवर्स, वन प्लस टेन स्क्वायर होता है हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा, तो यह आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन अपॉन में टेन थीटा, ठीक है यहां तक। यह आया टेन इनवर्स, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकता हूं मैं सेक थीटा, रूट निकल जाएगा बाहर, माइनस वन अपॉन में टेन थीटा, यहां तक क्लियर। टेन इनवर्स sec थीटा को हम लिख सकते हैं वन अपॉन cos थीटा माइनस वन अपॉन टेन को लिख सकते हैं sin अपॉन में cos थीटा, यहां तक सबको क्लियर। बेटा यह आया टेन इनवर्स, इनका एलसीएम लेंगे तो यह आएगा cos थीटा, यह आएगा वन माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा ओवर cos थीटा। अब यहां पर cos से cos कैंसिल हो गया, हो गया cos से cos जैसे ही कैंसिल हुआ तो मेरे पास बच गया टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई। अब यहां पर जरा आपने सोचना है, सोचने क्या है बेटा कि मैंने, अगर आपने इलेवेंथ में पढ़ा होगा तो मैंने आपको बहुत बार बता रखा था एक, कि बेटा वन माइनस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला वो होता है टू साइन स्क्वायर थीटा। आप बोलोगे सर कहां से बना है, तो यहां से बना है, देखो यहां से, कहां से, यहां से, ये देखो बता दे तो मैं आपको, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इसको इधर ले आओ तो आया 2 साइन स्क्वायर थीटा और इसको इधर ले जाओ 1 माइनस cos 2 थीटा बना, तो यहां से ही फॉर्मूला बना। ये आपने अच्छी तरह याद रखना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला हो गया, बाकी इसी से बनते हैं। मान लिया 1 माइनस cos 6 थीटा है तो फॉर्मूला यही रहेगा, बस हाफ हो जाता है एंगल, तो आएगा टू साइन स्क्वायर, देखो टू थीटा का थीटा हुआ तो सिक्स थीटा का क्या हो जाएगा, थ्री थीटा। मान लिया ओनली वन माइनस कॉस थीटा है तो आएगा टू साइन स्क्वायर और थीटा बाई टू, थीटा हाफ हो गया, हो गया हाफ। ऐसे ही ये बात आ गई समझ में, तो अगर मैं ऐसे ही आपको एक और चीज बता देता हूं, साइन टू थीटा का फॉर्मूला स्टैंडर्ड है, टू साइन थीटा और कॉस थीटा, ओनली अगर साइन थीटा होगा तो क्या बनेगा, टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू। टू थीटा तो यहां थीटा हो गया, यहां थीटा तो थीटा का हाफ, फाइव थीटा होगा तो फाइव थीटा बाई टू हाफ हो जाएगा। तो अब अगर मैं इसके अकॉर्डिंग यहां फॉर्मूला लिखूं, टेन इनवर्स वन माइनस कॉस थीटा, ये बन जाएगा वन माइनस कॉस थीटा का बन जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, और साइन थीटा का टू साइन थीटा बाई टू एंड कॉस थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल हुआ ऊपर नीचे, एक साइन से एक साइन कैंसिल हुआ, हो गया। बचा क्या मेरे पास बताओ तो जरा, हमारे पास बचा बेटा टेन इनवर्स बचेगा साइन थीटा बाई टू ओवर कॉस थीटा बाई टू, और टेन इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं टेन थीटा बाई टू, ये एलिमिनेट हुआ तो बचा थीटा बाई टू को मैं वन बाई टू और थीटा लिख सकता हूं। अब वन बाई टू का वन बाई टू और थीटा की वैल्यू निकाल लो, जहां हमने थीटा माना था यहां से, यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालू जरा गौर से देखो तो ये टेन इनवर्स एक्स हो जाएगा, तो ये आएगा टेन इनवर्स एक्स। सो दिस इज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस वन, पता चल गया ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम जरा, ये इरेज करते हैं। आई होप आप लोग पॉज करके और क्वेश्चनों को जरूर नोट कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर सिक्स है, टेन इनवर्स वन ओवर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारे पास है। अब अगर मैं देखता हूं तो एक्स स्क्वायर माइनस वन क्या क्या बनता है, देखे जरा, एक्स स्क्वायर माइनस वन यहां दोनों से, इन दोनों से बन जाएगा एक्स स्क्वायर, और तो कहीं एक्स स्क्वायर माइनस, आप बोलोगे ये तो टू एक्स स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा, बाकी तो कहीं नहीं बना, तो यहां से बन जाएगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस वन कैसे होगा, टेन स्क्वायर को यहीं रखो, इस वाले से बना रहा हूं मैं, टेन स्क्वायर को यहीं रखो, वन को उधर ले जाओ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन, एक तो यहां से भी बन सकता है,
x की जगह मैं sec थीटा लिख सकता हूं, तो sec स्क्वायर माइनस वन x स्क्वायर माइनस वन बन जाएगा। एक यहां से इससे भी बन सकता हूं, cot वाले से देखो, वन प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या है, cosec स्क्वायर थीटा। मैंने लिखे नहीं क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस नहीं था, ना तो मैं लिख देता आपको, cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस वन, तो x स्क्वायर माइनस वन ये वाला भी आ गया। तो या तो आप cosec रख दो या sec रख दो, दोनों में से कोई भी रख सकते हो। मैंने क्या करा, यहां पे लिख दिया लेट, हम रख देते हैं यहां पर, चलो cosec ले लेते हैं, लेट x इक्वल टू cosec थीटा। अब अगर मैंने x की जगह cosec लिया तो यह है tan इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बनेगा। यानी मेरे पास आया tan इनवर्स, यह है 1 अपॉन में cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, फॉर्मूला होता है cot स्क्वायर थीटा का, तो रूट के अंदर आया cot स्क्वायर और बाहर आ जाएगा तो cot थीटा, ये पता चल गया होगा। ये आएगा cot स्क्वायर और रूट से बाहर आएगा तो cot थीटा। tan इनवर्स 1 अपॉन cot थीटा क्या होता है, cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, तो 1 अपॉन cot थीटा हो गया tan थीटा। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री एलिमिनेट कैंसिल हो गए, कैंसिल करके मत दिखाना ऐसे, ठीक है, मीनिंग वही बनता है लेकिन कैंसिल नहीं करते। तो बचा थीटा, अब यहां से थीटा की वैल्यू निकालो, यहां से थीटा निकालता हूं तो इधर आके कॉसेक इनवर्स हो गया, तो ये आया कॉसेक इनवर्स एक्स। सो दिस इज सिक्स क्वेश्चन। अब आते हैं सेवंथ पे, तो उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर सेवन आता है। क्वेश्चन नंबर सेवन में ये हमारे पास दे रखा है, वही सिंपलिस्ट फॉर्म में लिखना है। तो देखो बेटा, एक फॉर्मूला बताया था, वन माइनस कॉस टू थीटा, ये मैंने आपको बहुत बार बताया कि टू साइन स्क्वायर थीटा होता है ना, स्टैंडर्ड फॉर्मूला। यहां से फॉर्मूले बन सकते हैं, अगर मैं बोलता हूं वन माइनस कॉस टेन थीटा तो क्या बन जाएगा, टू साइन स्क्वायर फाइव थीटा। देखो यहां टू थीटा है तो थीटा हुआ, टेन थीटा तो फाइव होगा, हाफ हो जाएगा। और मैं बोलता हूं अगर ओनली वन माइनस कॉस थीटा है तो क्या बनेगा, टू साइन स्क्वायर, अब थीटा हाफ हो जाएगा, यहां थीटा तो इसका हाफ क्या होगा, थीटा बाई टू, ये बन गया फॉर्मूला। इसी तरह आपने वन प्लस कॉस टू थीटा का फॉर्मूला याद करना होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा, बनते यही से ये दोनों कॉस से ही है ना, बता रखा मैंने कैसे। तो अब यहां से अगर मैं बोलता हूं कि ओनली वन प्लस कॉस थीटा है तो क्या बनेगा, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। देखो भाई फॉर्मूला वही रहता है, बस यहां थीटा का हाफ हो जाता है। तो ये दो फॉर्मूले आपने याद रखने, ठीक है। टेन इनवर्स अगर मैं इसको करता हूं तो ये आएगा अंडर रूट वन माइनस कॉस एक्स, वन माइनस कॉस एक्स ये वाला लग जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। वन प्लस कॉस एक्स ये वाला लग जाएगा तो आएगा टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू। अब टू से टू कैंसिल किया मैंने तो यह आया टेन इनवर्स साइन अपॉन कॉस, क्या हो गया हमारे पास, टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। tan इनवर्स इसको मैं लिख सकता हूं tan x बाई टू, लिखा मैंने 10 से 10 एलिमिनेट हुआ तो बचा मेरे पास x बाई टू। अब यहां पर x बाई टू ही आएगा क्योंकि मैंने थीटा वगैरह को सपोज नहीं किया था, तो ये हमारा सिंपलिस्ट फॉर्म आ गया, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो जरा ध्यान से। इसको देखने से पहले मैं आपको अगर एक बात बोलूं कि बेटा tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे tan a माइनस tan b अपॉन वन प्लस tan a और tan b। ये फॉर्मूला तो आप लोगों को क्लियर होगा, है ना, ये तो याद होगा। अब अगर मैं बोलता हूं tan a की जगह मैं बोल देता हूं पाई बाय फोर, पाई बाय फोर मतलब 45 प्लस a या माइनस a। अगर मैं इसका फॉर्मूला बनाना चाहूं तो इसी का ये a की जगह आया, ये b की जगह आ गया, तो क्या जगह हमारे पास, या x मान लिया मैंने चलो, तो ये a हो गया, ये क्या हो गया b। अब इसी फॉर्मूले पे बनाएंगे तो यहां पर आया tan पाई बाय फोर, tan 45 माइनस tan x अपॉन वन प्लस tan पाई बाय फोर और tan x। तो tan पाई बाय फोर यानी tan 45, तो tan 45 की वैल्यू हुई 1, तो यहां पर आया 1 माइनस tan x, tan 45 अगेन 1, तो यह आया 1 प्लस tan x। तो ये मेरे पास डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, यानी कहीं अगर ये आता है 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स तो उसकी जगह मैं ये रख सकता हूं डायरेक्ट। ये बात आ गई समझ में। अब इसी की बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या कर रहा हूं मैं, टेन इनवर्स ये जो अंदर वाले हैं कॉस एक्स इसको डिवाइड कर रहा हूं कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इसको डिवाइड कर रहा हूं कॉस एक्स अपॉन में कॉस एक्स, इसको डिवाइड कर रहा हूं कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको भी डिवाइड कर रहा हूं कॉस एक्स। सबको एक नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। देखो इनका एलसीएम लिया कॉस, इसका एलसीएम पूरा कैंसिल हो वही आ जाएगा,
इससे फर्क पे क्या पड़ेगा, इससे फर्क ये पड़ेगा कि सर यहाँ वन होगा कॉस से कॉस कैंसिल होके, साइन अपॉन कॉस क्या हुआ 10x, यहाँ पर आया 1 और यहाँ क्या आ जाएगा 10x, तो हमारे पास आया 10 इनवर्स। और यह देखो अब ये फॉर्मूला बन गया, देखो 1 माइनस 10x 1 प्लस 10x, डायरेक्ट ही लिख सकता हूँ, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ 10π/4 माइनस x। अब 10 एलिमिनेट हुआ तो हमारे पास आंसर आया π/4 माइनस x, सो दिस इज योर सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसके बाद आप लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 तक आप करने लायक हो, 10, 11, 12 तक जहां तक हो सकते हैं इसके बाद क्वेश्चन करो और इनको देखो, और जो डिस्क्रिप्शन है उसमें नीचे से आप पीडीएफ ले लो फॉर्मूलों की, पीडीएफ क्या ले लो, आपको टेलीग्राम में ही दूंगा मैं फॉर्मूले, तो वहां से आप टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक करो और मेरे चैनल पे आ जाओ टेलीग्राम में, वहां आपको सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे, ठीक है। एंड देखते रहे मेरे चैनल को, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।